मैं डॉक्टर प्रवीण और मेरे हस्बैंड डॉक्टर कुलविंदर गिल हॉस्पिटल रन करते हैं, और मेरे हस्बैंड ने 10 नवंबर को पेशेंट जगतार का ऑपरेशन किया था और 11 तारीख को उसको छुट्टी दे दी थी। अब 15 जनवरी 2022 को वो पेशेंट अपने साथ अपने साथ 30-40 लोगों के साथ, और साथ में एक कोई बिंदर है, कोई सरपंच या नंबरदार वैद्य वाला का, उसको लेके अपने प्री प्लान उसके साथ वो आके और डॉक्टर साहब के साथ उनकी ओपीडी में झगड़ा करने लग गया। और जब मैं उसको समझाने के लिए ओपीडी में गई हूँ तो मैंने उसको बोला, वो कहता है कि या तो हमारे को 5 लाख रुपये दो इसके आगे के इलाज के लिए, नहीं तो आप लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे। जब मैंने उसको बहुत बार गालियां गलौज देने लग गया, डॉक्टर साहब को मारने की धमकी देने लग गया, और जब मैंने उसको समझाने के लिए इतनी कोशिश करी, उसको ये भी कहा कि आप लोग इतने भीड़ ना इकट्ठी करें क्योंकि आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, तो भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। और उसके बाद वो मेरे साथ ही छेड़छाड़ करने लग गया, मुझे गंदी गालियाँ देने लग गया, और जब मेरी वीडियो बनाने लग गया और मैं उसको रोकने लगी तो 3-4 जनों ने मुझे ज़बरदस्ती लगातार उसने मेरे को खींचना शुरू कर दिया, और कहता है अगर डॉक्टर साहब नहीं देंगे तो तुम्हें तो देने ही पड़ेंगे। इस तरह की वो अपनी जो प्री प्लान उसके साथ है। फिर जब मैंने थोड़ा सा ये कहना शुरू किया कि भई ये हमारे साथ ये कर रहा है, तो ये हमारे एक स्टाफ ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, और जब उसको लगा कि पुलिस आ रही है तो वो बाहर जाके और लाइव होके और फेसबुक पे हमारे हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में गलत बातें बोलने लग गया। ये सारा उस दिन का इंसिडेंस है, इसीलिए मैंने इनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। आज फिर ये उसी चीज़ को धमकी देते हुए आज ये बाहर फिर दोबारा ये कर रहे हैं। डॉक्टर कुलविंदर से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा डिटेल में एक बार थोड़ा सा केस के बारे में बताएं कि क्या केस ऑपरेट किया गया था और क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, वो क्यों दोबारा आए। पेशेंट के घुटने के ऑलरेडी पहले से ऑपरेटेड था, जो पहले ऑपरेटेड लिगामेंट था वो टूट चुका था, इसकी वजह से उसका नया लिगामेंट रिवीजन ACL कहते हैं उसका ऑपरेशन हुआ था उसका। और ऑपरेशन के बाद भी काफ़ी समय तक मरीज़ बिल्कुल सही रहा है, 1 महीने तक उसको कोई तकलीफ नहीं हुई है, बढ़िया फिजियोथेरेपी करता रहा है। 1 महीने बाद उसको फीवर चढ़ा है, फीवर चढ़ने के बाद उसको फीवर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद नींद में थोड़ा रात को के टाइम दर्द रहना शुरू हुआ, तो उसके बारे में उसने मेरे से कंसल्ट करने के लिए कल मेरे पास आया। तो जब कल आया, शनिवार को मेरे पास आया, सॉरी, जब शनिवार को मेरे साथ आया तो इस व्यक्ति को अपने साथ लेके आया, तो मैं उससे बात करके समझाने के पहले इमरजेंसी में उसको चेक करके कमरे में ले आ गया, सारी बात समझाने लग रहा था, उससे पहले ही उस बंदे ने लड़ाई शुरू कर दी। IMA सिरसा इस पूरे जो एपिसोड हुआ है इसकी कड़ी निंदा करता है। सर, 30-40 लोग लेके आप किसी को हॉस्पिटल में धमका के, अगर आपको कोई कंप्लेंट है आप आराम से आओ बात करो, हर चीज़ का हल निकल सकता है, आप बताओ डॉक्टर साहब मेरे को ये कंप्लेंट है, 30-40 लोग लेके आप उसको धमकाने पे और लेडीज़ को ऐसी ऐसी बातें बोलना और मैन हैंडल करना, मोलेस्ट करना, ये नहीं चलेगा। IMA इस टाइम पे डॉक्टर गिल के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, हमारा स्टैंड बिल्कुल इनके साथ है, जो डिसीजन इनका है वो हमारा है। और दूसरी बात जो मेन मुद्दा है वो उस जगतार सिंह की टांग का है। मैंने जगतार से पर्सनली IMA प्रेसिडेंट के तौर पर बात कर लिया, बेटा डॉक्टर गिल का जो केस इन्होंने किया है वो बिल्कुल सही किया है, तेरे को जो ग्रीवेंसेस हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, और उसको मैंने यहाँ तक भी आश्वासन दिया है कि हर तरीके का इलाज जो तेरा है ना वो IMA तेरे को कराएगी, ये हमने उसको बोला है कि तेरे इलाज में कोई कमी नहीं आएगी, आई हैव अश्योर्ड हिम। ये बात मैंने जगतार से खुद बात करके दी है उसको। वो जहाँ से भी इलाज करवाना चाहता है उसकी पहली हमारी प्रेफरेंस तो ये थी कि यहाँ शहर में कोई भी डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर कोई भी चूज कर ले, शहर के सारे हड्डियों के डॉक्टर हम इकट्ठे कर देंगे, वहाँ मिल लेंगे। वो कहता जी हम सरसा में नहीं इलाज करवाना चाहते, हम जलंधर इलाज करवाना चाहते हैं। जलंधर के डॉक्टर से भी बात हो गई है, वहाँ पे भी IMA सरसा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम बिल्कुल पूरी तरह जगतार के इलाज करवाएंगे, हम उसके साथ करेंगे। अब जो बाहर देखो सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना ज़्यादा डॉक्टर और पब्लिक का माहौल बिगड़ेगा,
आप ये मानते हैं कि उसमें नुकसान पब्लिक को भी है, हमें तो है, मैं ये नहीं कहता कि हमें नहीं है, लेकिन पब्लिक को भी है। अगर एक अकेला कोई एक्सीडेंट हो जाए और इनकी क्लिनिक पे ले आए तो ये कैसे हाथ लगा देंगे उसको, किसी कीमत पे नहीं लगाएंगे। अब क्या है कि किसी डॉक्टर से कोई गलती होती है, मान लिया गलती होती है, ठीक है, तो दो तरीके हैं उसके। आप या तो IMA को कंप्लेंट कीजिए, IMA अपना सिस्टम है हमारा, बोर्ड बैठाएंगे, उनकी सेटिस्फाई कराएंगे कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। सपोज़ आपको ये लगता है कि नहीं, ये तो IMA वाले तो भाई भाई हैं, तो आप उस केस को अगर उसमें डालते हैं तो सिविल हॉस्पिटल का बोर्ड बैठता है, सिविल हॉस्पिटल का बोर्ड बैठ के वो नेग्लिजेंस की रिपोर्ट दे देता है। सपोज़ आप ये भी मानते हैं कि ये सिरसा वाले तो सारे इकट्ठे हैं, तो आप रोहतक का बोर्ड मांग लीजिए, राइट। उसके ऊपर आप ये देखिए कि अगर सपोज आपको फिर भी विश्वास नहीं है, हमारा एक अपना एक चैनल है, जैसे बार काउंसिल का चैनल है, तो हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल है, एक काउंसिल के अंदर केस जा सकता है, काउंसिल बैठती है, बाकायदा दोनों पार्टियों को बुला के सुनती है और सज़ा देती है, और उनके पास ये पावर है कि वो आपकी डिग्री सस्पेंड कर सकती है। और मैं बता रहा हूँ, रिवाड़ी के डॉक्टर की हमने 5 साल के लिए सस्पेंड की, 2 डॉक्टरों की महीने महीने के लिए सस्पेंड की, ये नहीं कि हमने नहीं की है, ये नहीं है कि भाई हम अपने वालों को ठीक ही नहीं करना चाहते, हम भी अपने मतलब घर को साफ करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हमारे अंदर जो भी कोई 1 या 2 या 4 गलत हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें। लास्ट बात मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए आप मीडिया हैं और मीडिया बहुत ताकतवर आज के दिन, लेकिन ये 2-धारी तलवार है, ये तो आप मानेंगे ना, 1 मिनट में वो जा रहा है फेसबुक पे, 1 मिनट में वो जा रहा है मतलब यूट्यूब पे, अब हम कहाँ तक डिफेंड करें अपने आप को, हम अपना काम करें या मतलब हर तीसरे दिन डिफेंड करें। एक आदमी की आदत ही पड़ गई है, 3 बार 4 बार 5 बार यही चल रहा है, और कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो ये चाहेगा कि मेरा पेशेंट खराब हो जाए। गलती तो किसी से हो सकती है, डॉक्टर गोविंदर से हो सकती है, मेरे से हो सकती है, डॉक्टर आशीष से हो सकती है, दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, हम उसका में क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अब आज की अपनी स्थिति की बात की जाए, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, हाँ, आपने अपनी तरफ से अपना पक्ष हाँ, तो इसका आप सॉल्यूशन क्या को सॉल्यूशन हम ये दे रहे हैं कि भाई उसके जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, उनकी ट्रीटमेंट कुलविंदर, डॉक्टर कुलविंदर करने को तैयार हैं, अगर कुलविंदर पे उनको विश्वास उठ गया है, डॉक्टर आशीष अपने तौर पर जिस मतलब ऑर्थोपेडिशन को चाहेंगे वो उनकी बदौलत करा देंगे, सारा कुछ काम IMA सिरसा करेगी, उनको कुछ नहीं करना। आपकी सर सुधा एक मीटिंग हुई थी गांव का, शायद उनके कोई सरपंच भी आया था, कुछ ऐसा मीटिंग में क्या कुछ रहा हुई है? नहीं, मीटिंग का तो मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ ना, यही है कि अभी अब निचोड़ इनका ये है कि अभी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो क्या वो मानने को तैयार है? अब बर्दाश्त नहीं होगा, अगर ये मेरी बेटी है, ठीक है कि नहीं, तो अगर इसके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो वो कहाँ तक बर्दाश्त होगी यार, क्या करेंगे पैसे कमा के? बट एज ए डॉक्टर हमारी मीटिंग में निचोड़ यही था कि जगतार की जो ट्रीटमेंट पार्ट है, उस ट्रीटमेंट पार्ट को IMA सरसा बैन करने को तैयार है, हम पूरी तरह तैयार है, हम उसके इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। और लेकिन जो FIR वाला है वो इनका पर्सनल डिसीजन है, हम इनके साथ खड़े हैं, ये नहीं लेना चाहते उसको वापस, वो एज स्टैंड एज इट इज है। और उसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं, आप पर्सनली ये लेना कि ये अगर आपकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, इनके साथ जो बर्ताव हुआ वो किस हद तक टॉलरेबल है, एक अपने मनमुटाव हो गया, मनमुटाव का भी एक दायरा होता है, एक तरीका होता है, मैं बड़ा हूं तो आप मेरे को बड़े के तरीके से ही बताओगे ना, तू तड़ाक पे तो नहीं उतरोगे। नहीं बैठे तो वो इसी चीज के लिए, कभी ये वाला हल करवा के दो। आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा? हैं? आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा जिस तरह से वो धरना लगा करके बैठे? नहीं बैठ, देखो धरना लगा के कोई गलत चीज में बैठ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, अगर कोई उसके लिए तो हम नहीं ना कर सकते। और मैं एक और बताता हूँ, ये डॉक्टर आशीष हैं, ये डॉक्टर पारेख हैं, हमारा सिस्टम क्या है कि सपोज करो एक कंप्लेंट दे दी आपने, उस कंप्लेंट इनके पास आती है, देन वी फॉर्म अ कमेटी ऑफ 2-3 स्पेशलिस्ट ऑफ दैट स्पेशलिटी, और उन तीनों को कहते हैं भाई बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा, वो तीनों आगे हमें रिपोर्ट देते हैं भाई ये है इसमें, एंड हम उस डॉक्टर को कहते हैं देख यहाँ तू गलत है, यहाँ तेरा नुक्स है, यहाँ तेरा नुक्स है, अब बैठ के बताओ। मैंने स्टेप्स बताए, अगर वो नहीं सेटिस्फाइड देन यू गो टू द कोर्ट, नहीं सेटिस्फाइड यू गो टू द हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल।
आईएमए सिरसा का भी इतिहास रहा है कि डॉक्टर जो फोर्थ में रहा है, हमने उसको आईएमए से भी बात की। हमारी तरफ से ये क्लियर है, अब गेंद प्रशासन के पाले में है, वो कैसे इस धरने को उठवाती है और उस उक्त आदमी पे कैसे कार्रवाई करती है, प्रशासन पे देखा जाएगा। और एक और सुन लो, आप सारे पत्रकार हो, आप निचोड़ निकालना, हर डॉक्टर के साथ हम कभी नहीं खड़े हुए, ये भी आप देख लेना, पीछे का इतिहास उठा के देख लो, हर डॉक्टर के साथ आईएमए नहीं खड़ी हुई है, हम भी सिलेक्ट करते हैं। हाँ जी, अगर प्रशासन की तरफ से भी आपको कोई उम्मीद नहीं नजर आई, क्यों नहीं नजर आई? नहीं नहीं, अभी हम हाइपोथेटिकल क्यों जाएं, हमें पूरी उम्मीद है वो हमारे साथ जस्टिस करेंगे। क्या सर आपका डेलीगेशन उच्च अधिकारियों से मिलेगा इस तरह? इसके बाद हम लोग एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहीं जाने का प्लान है। ठीक है, आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल।